गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। आवर टुडेज टॉपिक इज इन्यूमरेटेड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। हमें उम्मीद है कि इससे पहले जो मैंने अपने वीडियो में बताया था स्ट्रक्चर एंड यूनियन को, जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, आप उसे जरूर देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं हम लोग इनम डेटा टाइप को। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज में, और इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर इसे समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इन्यूमरेटेड डेटा टाइप जो है ये होता क्या है। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ इनम कीवर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो इंट है, कैर है, फ्लॉट है, डबल है, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप जो है सी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हमें अगर बुलियन डेटा टाइप बनाना है तो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, और इनम जो है ये कीवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया गया है, और सेमी कॉलन यहाँ लगाया गया है, और यहां लिखा गया है फॉल्स एंड यहां लिखा गया है ट्रू। तो ये एक नेम है और ये नेम को जो है हम इंटीजर वैल्यू से असाइन करते हैं। तो यहां पर फॉल्स एंड ट्रू जो है ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है, सिंबल है, और ये सिंबल जो है ये बाय डिफॉल्ट जो है सी कंपाइलर क्या करता है, फर्स्ट सिंबल को ये जीरो से असाइन करता है और सेकेंड सिंबल को ये जीरो बाय प्लस वन यानी वन से असाइन कर देता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम फॉल्स वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं एंड ट्रू वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। यहां से फॉल्स वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा और यहाँ पर ट्रू वैल्यू जो है यहाँ पर ये प्रिंट होगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर जीरो और यहां पर हमें मिलेगा वन। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहां पर जो नेम है, नेम फॉल्स जो है वो एक इंटीजर वैल्यू जीरो से असाइन हो चुका है, और ट्रू जो है एक जो नेम वैल्यू है वो वन से असाइन हो चुका है। तो यहां पर हम लोग देखें कि फॉल्स जो वैल्यू है ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर जो है ये जीरो से असाइन करता है, और इसके नेक्स्ट वैल्यू को जो है ये वन से असाइन ये करता है। अब अगर ये फॉल्स जो सिंबल है या नेम है इसे अगर हम वन से असाइन कर दें तो नेक्स्ट वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली बाई वन इंक्रीमेंट हो जाएगा और ट्रू का वैल्यू जो दिखाएगा वो टू दिखाएगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहां पर फॉल्स का भी जो वैल्यू है ये हम एक्सप्लिसिटली असाइन किए थे वन से, तो नेक्स्ट वैल्यू ट्रू जो है वो टू हो गया है। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए यहां पर इनम डेटा टाइप जो है डेज नाम का बनाया गया है, और यहां पर संडे सन, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, इस तरह से हम लोग जो है हम लोग सेवन डेज को हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। और हम जैसा कि जानते हैं कि कंपाइलर जो है ये फर्स्ट सिंबल को, फर्स्ट नेम को ये असाइन कर देगा जीरो से, और नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली ये वन टू थ्री ये ले लेगा, ठीक है। तो यहां से हम प्रिंट करके देख रहे हैं संडे को तो हमें मिलेगा जीरो, मंडे को मिलेगा वन, एंड ट्यूजडे जो है मिलेगा टू, एंड सो ऑन मिलेगा हमें। तो इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर संडे जो है ये जीरो से असाइन हो गया है, मंडे वन से हो गया है, ट्यूजडे जो है टू से हो गया, और ये जो है ये ऑटोमेटिकली हुआ है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि संडे का वैल्यू जो है ये बाई वन हो जाए, अगर ये वन हो जाएगा, अगर हम इसे वन ले लेते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू जो है ये मंडे जो है ये ऑटोमेटिकली टू हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर संडे जो है ये वन हो गया है, मंडे टू हो गया है, है ना, और इसी तरह से ये वैल्यू जो है ये इंक्रीमेंट करते हुए ऑटोमेटिकली ये कंपाइलर असाइन कर दिया है। तो अगर एमसीक्यू में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अगर यहाँ पर संडे का वैल्यू जो है यहाँ पर टू हम रख दें तो मंडे का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मंडे का वैल्यू जो है वो थ्री मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर संडे का जब वैल्यू हम टू रखे हैं तो ऑटोमेटिकली मंडे जो है वो थ्री ले लिया है, और ये ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्यूजडे जो है ये फोर हो चुका है,
और इस तरह से हम लोग 8 तक गए हैं। यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ रहा है कि क्या नाम है, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप जो है, इससे हम लोग, इसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल डिफरेंट टाइप का हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इनम डेज नाम का डेटा टाइप बनाया जा रहा है, जिसमें मंडे जो है उसको असाइन किया गया है 1 से। तो नेचुरली हमें जैसे पता है कि ये बाय डिफॉल्ट ट्यूसडे जो है 2 से हो जाएगा और वेडनेसडे 3 हो जाएगा। ठीक है, इनम डेज जो है ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और सी जो है इसका ये वेरिएबल है, और सी वेरिएबल में जो है ये वैल्यू जो कंटेन करेगा वो ये 1, 2, 3, 4, 5 अप टू ये जो 7 तक है ये करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इंटीजर एन मैंने लिया है और इनपुट किया है डेज को, और डेज को जो है इनपुट करके हम लोग क्या किए हैं, 1 वेरिएबल एन में हम लोग रख लिए हैं, और सी इक्वल टू एन यानी सी में जो वैल्यू है उसमें असाइन कर दिए हैं एन को। और स्विच में, स्विच स्टेटमेंट जो हम लोग जानते हैं, स्विच स्टेटमेंट में हम लोग सी को एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट हम लोग लिए हुए हैं। अगर यूजर सी के वैल्यू को जो है 1 इंटर करता है तो मंडे में जो है ये हमारा 1 है, तो हमें प्रिंट होगा, हमें मैसेज मिलेगा मंडे इज, टुडे इज मंडे, एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट से हम लोग बाहर निकल आएंगे। अगर यूजर जो है ये 2 इंटर करता है तो हमें मिलेगा टुडे इज ट्यूजडे, एंड सिमिलरली अगर 3 इनपुट करता है तो हमें वेडनेसडे मिलेगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए हमें जो मैसेज मिल रहा है ये मिल रहा है इंटर नंबर फॉर डेज, तो हम यहाँ डाल रहे हैं अगर 3 तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट, देखिए यहाँ पर जो थर्ड डे है वो हमारा क्या है, तो हमारा वेडनेसडे है। ठीक है, फिर से रन करते हैं। इससे नंबर ऑफ डेज जो है, अगर हम चाहते हैं कि फिफ्थ डे हमारा क्या है, अगर नंबर ऑफ डेज जो है अगर हमारा फिफ्थ है तो ये कौन सा डे होगा, तो फिफ्थ डे जो है वो टुडे इज फ्राइडे, हमें ये मैसेज मिल रहा है। और अगर हम कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं जो कि 1 से 7 तक नहीं है, जैसे 9 हम इनपुट किए हैं, तो देखिए हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है इनवैलिड डे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गया है कि अगर हमें डिफरेंट और वेरियस टाइप का सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है तो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप इसे इम्प्लीमेंट करके जरूर देखिएगा मशीन में। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करके जरूर देखिएगा। अगर हमारे वीडियो के हेल्प से आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।